डॉक्टर पायल तड़वी को अपनी जान देने के लिए उकसाया गया और इसके चलते देश के चार होनहार महिला डॉक्टरों का नुकसान देश को हो गया। एक अपनी जान से चली गई और तीन उसका परिणाम जीवन भर भुगतेंगी। ये जो इनडायरेक्ट किलिंग होती है या इनडायरेक्ट हत्या होती है, जो अपमानजनक तरीके से की जाती है, इसका फिनोमिना या इसका जो परिणाम है वो बहुत दुखद है देश के लिए। और अर्थशास्त्री यानी जो इकोनॉमिस्ट बताते हैं, वो कहते हैं कि एक डॉक्टर को तैयार करने में देश को उसके क्लास वन से लेके केजी से लेके और पीजी तक बनने तक लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 60 करोड़ रुपए में एक डॉक्टर तैयार होता है और वो पूरा अपना जीवन लगाता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है और देश की सेवा के लायक बनता है। तीन जो लड़कियां हैं जिन्होंने उसको उकसाया और उसको अभद्र टिप्पणियां की और उसको डिप्रेशन में लाने का यानी मानसिक रूप से उसे तोड़ने का जो काम किया, ये जान के हुआ, अनजाने में हुआ या उन्होंने को बचपन से सिखाया गया, ये बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि जो डॉक्टर हैं उन्होंने मेडिकल साइंस तो पढ़ी चारों ने, मगर वो मैकेनिज्म ऑफ कास्ट नहीं पढ़ पाए। कास्ट का फिनोमिना अगर वो पढ़ पाते और बाबा साहब की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अगर वो एक बार नेट पे देख लेते तो ना डॉक्टर तड़वी आत्महत्या करती और ना ही उन तीनों महिला डॉक्टरों की जो आरोपी हैं उनकी हिम्मत होती या उनका मन करता कि वो उसको उकसाएं। मैं समझता हूँ कि जाति का जो फिनोमिना है और जाति का जो सिस्टम है उसके आधार पे ना उकसाने वालों को और ना उसके जो रिजल्ट भुगत रहे हैं उनको ये पता है कि ये कैसे काम कर रही है। अगर डॉक्टर तड़वी मैकेनिज्म ऑफ कास्ट भी पढ़ लेती, जो कि थोड़ा सा है, तो शायद वो देश के लिए बहुत अच्छा होता, वो अपनी जान से ना जाती और देश की सेवा कर रही होती, जिंदा भी होती। ये मैकेनिज्म ऑफ जो कास्ट है इसको समझना चाहिए। डॉक्टर तड़वी या उस जैसी डॉक्टर या बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ जाति के आधार पे आरक्षण या रिजर्वेशन या आरक्षण या रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अपने जितना भी उनका कास्ट सिस्टम है उसमें जो लोग हैं, संख्या है, उनको रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पर वो आते हैं और उनकी सीट वहाँ सुरक्षित होती है, उनके लिए पहले से तैयार होती है। डॉक्टर तड़वी एक बहुत ही इंडिजिनियस फैमिली से, यानी कि भारत की मूलभूत फैमिली से वो आई थी। क्योंकि वो आदिवासी थी इसलिए वो भारत की पुरानी वासी थी और भारत की इंडिजिनियस थी, यहीं की रहने वाली थी। इसका बहुत गहरा संबंध है इस बात से कि उसको जाति का सिस्टम समझना चाहिए था, आगे ऐसा ना हो, इसलिए ये वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद है। जो पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए। चार दोस्त आपस में लड़ रहे हैं किस बात के लिए, वो कह रहे हैं कि मेरा जो बच्चा है उसका 90% मार्क्स आया मगर उसका एडमिशन दिल्ली में नहीं हो रहा है, दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा कह रहा है उसके बच्चे के 95 आए मगर उसका बच्चे का दिल्ली में एडमिशन नहीं हो रहा, वो नोएडा उसको जाना पड़ेगा। तीसरा कह रहा है कि उसके बच्चे का एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा इसलिए उसको बाहर जाना पड़ेगा और वो बाहर पड़ेगा। चौथा भी इसी को लेकर लड़ रहा है और लड़ते लड़ते जब उनको आधा घंटा हो गया और उनका ब्लड प्रेशर, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो मैंने इंटरवीन किया और मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि जिसके 85% नंबर आए हैं क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा है। जिसके 65% नंबर आए हैं क्या उसका पढ़ने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा है। जिसके 33% मार्क्स आए हैं, 33% मार्क्स आए हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं, क्या उसका आगे पढ़ने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा है। आपके बच्चे के अगर 100 में से 100 आ गए और 100% अगर लेके आया तो क्या उसका पढ़ने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा है। तो आप ये मानते हैं कि देश के सारे बच्चों का पढ़ने का बराबर का अधिकार है और सबको पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, पढ़ाइए आप, मना कौन कर रहा है? क्योंकि पढ़ाने के लिए एक स्कूल चाहिए, पढ़ाने के लिए एक कॉलेज चाहिए। वो कॉलेज पब्लिक नहीं खोलेगी,
वो कॉलेज वो चार जो लोग हैं वो नहीं खोलेंगे, वो कॉलेज वो लोग नहीं खोलेंगे जिनके 33% नंबर हैं या 65% है या 85% है। जब कॉलेज खोलने वाला कॉलेज नहीं खोल रहा है, यूनिवर्सिटी खोलने वाला यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहा है, स्कूल खोलने वाला स्कूलों को नहीं खोल रहा है और स्कूलों को बंद कर रहा है, या शिक्षा को महंगा कर रहा है, जो देश का चलाने वाला है वो स्कूल नहीं खोलना चाहता है, तो आप क्यों लड़ रहे हो? बेसिकली आपको लड़ाया जा रहा है क्योंकि आप चाहते हैं रिक्शे वाले का बच्चा भी पढ़े और रिक्शे वाले का बच्चा भी चाहता है कि आपका बच्चा भी पढ़े, क्योंकि सुविधाएं आपके बच्चे को ज़्यादा मिली हैं, बहुत सालों से मिलती चली आ रही हैं। उसे जब पैदा होता है तो कई लैंग्वेज मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, बढ़िया घर मिलता है, बढ़िया एसी मिलता है, बढ़िया पैसा मिलता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती, सारे रिश्तेदार उसके पढ़े हुए होते हैं। और जो बच्चा अपनी पढ़ाई को खो चुका है, जिसके घर में पढ़ाई नहीं है, जिसके घर में संसाधन नहीं है, लाइट नहीं है, पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो भी पढ़ना चाहता है, तो बड़ी बात यह है कि वो भी पढ़ना चाहता है। आपका तो पढ़ ही रहा है तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो आपको फाइट करना चाहिए कि भाई सबके लिए कॉलेज होने चाहिए, सबके लिए यही होने चाहिए जहां वो पढ़ना चाहते हैं। आप समझिए कि पढ़ने जैसी चीज़ के लिए देश में झगड़े हो रहे हैं और झगड़े कराए जा रहे हैं। आप झगड़ रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि कॉलेज खुलने चाहिए, क्योंकि अगर एक कॉलेज है और वो देश के अंदर है तो उसमें सभी का बराबर का अधिकार है। उसमें अगर 100% वालों का है तो उसमें 33% वालों का भी है, 65% वालों का भी है, फिर परसेंटेज बटेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक समुदाय के लोग अगर उसमें 100 हैं और 100 के 100% नंबर ले आए और वहाँ सीट 100 हैं तो उनको मिल जाए, क्योंकि ये इनजस्टिस होगा, ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए कॉलेज खुलें और कॉलेज में वैकेंसीज हमेशा खाली रहें, स्टूडेंट को ढूंढना पड़े कि ये वैकेंसी फुल हो जाए, क्योंकि देश की तरक्की के लिए सबको पढ़ाना आवश्यक है। आप दूसरा समझिए कि एक माँ के 10 बच्चे हैं और उस माँ ने अपना सारा खाना पीना दूध सेहत का सारा सामान जितनी सुविधाएं थी वो अपने एक बच्चे को दिया, वो बच्चा अच्छा तंदुरुस्त हुआ, बड़ा ज्ञानी हुआ, पढ़ा लिखा बहुत बढ़िया हुआ, डिग्रियां ले लेके आया और उसी के हिसाब से उसने कमाना भी शुरू किया। और वो कमा के जब शुरू किया तो बाकी जो 9 बच्चे उसके परिवार में हैं वो कहते हैं हमें भी हिस्सा चाहिए, तो वो 10वां बच्चा कहता है तुम्हें किस बात का हिस्सा चाहिए, पढ़ा मैं लिखा मैं सारे काम मैंने किए, तुम तो नालायक हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम कमाते भी नहीं हो, देखो मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ तो मैं तुम्हें क्यों क्यों दूँ जब तुमने कुछ किया नहीं। तो 10वें बच्चे को सोचना चाहिए कि सारे रिसोर्सेस जो घर के थे वो आपको मिले हैं, सारी चीज़ें सुविधा आपको मिली है, माँ ने सारी चीज़ें आपको दी है, माँ ने पार्शलिटी की है, माँ की कमी है, मगर आपको सोचना है कि जो 9 बच्चे हैं उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, उनको ज़िंदगी चाहिए, उनको इज्जत चाहिए, उनको देश में सब चीज़ चाहिए, क्योंकि देश के रिसोर्सेज पे, देश के संसाधनों पे, देश की चीज़ों पे जो देश में बनती हैं पैदा होती हैं वो 10 के 10 बच्चों का अधिकार है। इसलिए वो बच्चे आपसे लड़ेंगे, फिर आप कहोगे झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होगा क्योंकि आपका अकेले का वो राइट नहीं है, आपने 9 बच्चों का भी खाना खाया है, आपने 9 बच्चों की शिक्षा भी ली है, माँ ने आपको दी है, आप ना समझते मान सकते हैं मगर कमी माँ की है, मगर अब आप समझदार हैं, आपको वो करना पड़ेगा। और आप किसी भी हालत में अपने घर के 9 बच्चों को छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़ेंगे तो बाहर से जो दुश्मन आएंगे वो अकेले आपको समझ के खा जाएंगे, 9 बच्चे फिर आपकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि आप उनको कुछ देने नहीं रहे हैं। इस बात को समझिए, इसलिए सबको पढ़ना जरूरी है और सबको एक साथ बढ़ना जरूरी है। आरक्षण का जो मतलब है, रिजर्वेशन का जो मतलब है, वो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का अगर एडमिशन रिजर्वेशन के आधार पे हो गया तो वो फ्री में पास हो गया, यानी वो टेस्ट नहीं देगा, एग्जाम नहीं देगा या वो पढ़ेगा नहीं। आरक्षण सिर्फ सीट का है, 100 सीट हैं तो उस सीट में से देश के सभी लोगों को पढ़ने के लिए बराबर सीट मिलेगी, अगर कॉलेज की कमी है तो। और कॉलेज अगर पूरे मिल जाते हैं तो फिर तो आरक्षण अपने आप खत्म है, एजुकेशन में कोई समस्या नहीं है, मेन समस्या कॉलेज की है, आरक्षण की नहीं है। मतलब जब सीट मिलती है तो सीट पे कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर किसी भी स्टूडेंट को मिनिमम पासिंग मार्क्स के बिना पास नहीं करता, ये नियम है। आप पूरे भारत में एक बच्चा ऐसा मुझे बता दीजिए
जो आरक्षण से सीट लेकर आया हो, रिजर्वेशन से सीट लेकर आया हो, चाहे वो हैंडीकैप का आरक्षण है, चाहे वो किसी फौजी का यानी सैनिक का आरक्षण है, या वो किसी एसटी का है जो पहाड़ों में रहते हैं जहाँ ना पानी है ना लाइट है, या जो जंगलों में रहते हैं एसटी उनका है, या एससी है जिनके घर में खाने तक को नहीं होता, या ओबीसी है जिन्हें एजुकेशन का आज तक कुछ पता ही नहीं है, या कोई स्पेशल सर्विसेज का है, या स्पेशल क्या बोलते जगह का है, हजारों तरह के आरक्षण हैं। स्पोर्ट्स का भी आरक्षण होता है, कोटा होता है, स्पेशल केस के अंदर भी होते हैं। तो आप मुझे एक भी ऐसा आरक्षित यानी रिजर्व स्टूडेंट बता दीजिए कि जो मिनिमम वहाँ का जो पासिंग मार्क्स है उसको क्वालिफाई करके डिग्री लेके आया हो। डिग्रियाँ नहीं मिलती, डिग्रियाँ बराबर मिलती हैं और उसमें सब तरह के स्टूडेंट होते हैं। जो नॉन रिजर्व होते हैं, जो अनारक्षित होते हैं, जिनका रिजर्वेशन नहीं होता, वो भी फैसिलिटी स्टूडेंट होते हैं, वो भी फेल होते हैं, और जो आरक्षित हैं और जो रिजर्व हैं वो भी टॉपर होते हैं। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं आप उसको कितना गेन करते हैं और कितना लिख सकते हैं, कितना बता सकते हैं। इसलिए आरक्षण से पासिंग का या पास होने का कोई भी लिंक नहीं है। आरक्षण का रिजर्वेशन का सिर्फ हिस्सेदारी का लिंक है, रिप्रेजेंटेशन का है, प्रतिनिधित्व का है, जो वहाँ वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है देश के नागरिक होने के नाते। वो विदेशी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, इसी देश का नागरिक है, भारतीय है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और क्लियर है। अगर बच्चे को या आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि कास्ट के नाम पे आपको या रिजर्वेशन के नाम पे आपको क्लास के अंदर कहीं परेशानी महसूस हो रही है या कहीं आपको लगता है, तो आपको कास्ट सिस्टम समझना चाहिए। बेसिकली समझना चाहिए भारत के सभी बच्चों को, उनको सभी को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़नी चाहिए। मगर अगर वो नहीं समझते हैं, क्योंकि कास्ट में दो तरह की बात होती है, एक बच्चे को कास्ट का फायदा मिलेगा जो अपनी कास्ट को अपर बोलता है, यानी जिसको सिस्टम में बनाया गया है, उसने खुद बनाई है, उसके जो एंसेस्टर्स हैं, जो उसके पूर्वज हैं, उन्होंने कास्ट बनाई है और अपने लिए उन्होंने उसको उच्च कहा है। दूसरी कास्ट जो उन्होंने कहते हैं वो है डाउन कास्ट, यानी कि नीचे कास्ट, जिसके नुकसान होते हैं। तो अपर कास्ट वाला तो कभी नहीं चाहेगा कि कास्ट की बात हो, क्योंकि उसे फायदा होता है। मगर जिसको कास्ट का नुकसान हो रहा है, उसे कास्ट को समझना जरूरी है। इसलिए अपनी सब्जेक्ट की किताब के साथ में एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी बाबा साहब की किताब रखिए, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, सारी भाषाओं में वो उपलब्ध है, नेट पर है, पीडीएफ में है। कास्ट सिस्टम को जब आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिनके पीछे कास्ट की नाम लिखा होता है, कास्ट सूचक जातियां लिखी होती हैं, वो जातिवादी लोग होते हैं। क्योंकि जातिवादी जो लोग हैं वो अपने नाम के पीछे जाति सूचक शब्द लगाते हैं। अगर वो जाति सूचक शब्द लगाते हैं तो वो बीमार लोग हैं, वो अपनी जाति पे घमंड करते हैं और वो जातिवादी लोग हैं। पुराने समय में किसी भी नाम के पीछे जाति सूचक शब्द नहीं होते थे। जैसे बुद्ध के समय में जो नाम थे, जैसे खुद बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, या उनके फादर का था सिद्धोधन, या महामाया, या प्रजापति गौतमी है, या अनुरुद्ध है, या आनंद है, ये सारे नाम बड़े क्लियर और होते थे, चाहे देवदत्त है, सिंपल नाम होते थे। इनके पीछे जाति सूतक, क्योंकि जाति बुद्ध के समय तक थी ही नहीं, जाति बहुत बाद में बनी। और जो नामों के पीछे जो जाति सूचक शब्द आए, ये सिर्फ तीसरी पीढ़ी से आए। आप भारत में किसी भी आदमी का तीसरी पीढ़ी का नाम पूछ लीजिए, आपका नाम, आपके फादर का नाम और उनके फादर का नाम, तो आपको पता चलेगा कि उनके फादर का नाम सिर्फ कन्हैया था, या तोता था, या मोर था, या तोता मैना था, या सरिता था। मतलब पीछे जाति सूचक नाम उनके डॉक्यूमेंट में भी नहीं है। ये तीसरी पीढ़ी से लगभग आने शुरू हुए हैं। तो ये भारत में सिस्टम तेजी से अभी डेवलप हुआ है, और जिन्होंने जाति सूचक शब्द पीछे लगाए हैं उन्होंने जाति को आगे बढ़ाया है, आपने जाति को आगे नहीं बढ़ाया है। दूसरा, आप ये ध्यान रखिए कि जाति जो है, आप घबराइए मत, क्योंकि जाति आपने नहीं बनाई। अगर आपने जाति बनाई होती तो आप अपने लिए सबसे टॉप की और सबसे ऊंची और सबसे फ्रूटफुल वाली और सबसे बढ़िया जाति रखते, जिसके गुण बड़े अच्छे माने जाते। तो जाति आपने नहीं बनाई, ये बात प्रूव होती है। जाति जिन्होंने बनाई है उन्होंने अपने लिए अच्छी रखी, आपके लिए खराब रखी, आपके लिए बनाई है ताकि वो आपको खराब कह के घोषित कर सकें। तो जाति अभी बनाया हुआ फिनोमिना है, बहुत लेटेस्ट है, कोई बहुत पुराना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अपनी जाति के बारे में भूल जाइए, क्योंकि आपने खुद अपनी जाति नहीं बनाई, आप जानते भी नहीं है, इसलिए आपको पता भी नहीं होगा। जब आपने बनाई ही नहीं है तो आपको उसकी हिस्ट्री का भी पता नहीं है। मगर आप सामने वाले की पूछिए, आंखों में आंखें डाल के पूछिए,
आप पूछिए ये जाति कैसे है, इस जाति का नाम क्या है, ये जाति कहाँ से आई, अच्छा इसमें कैसे काम करती है, आपके पूर्वज की क्या थी, उनके पूर्वज की क्या थी, और थोड़ा पीछे जाइए तो उनसे पूछिए कि ये बुद्ध के समय में क्या थे आप लोग, या आप पूछिए कि अशोक के समय में आप क्या थे, या आप पूछिए कि आपकी 200 साल पहले क्या थी। मैंने बहुत लोगों से पूछा है, तीन पीढ़ी के बाद मैं कोई नाम भी नहीं बता पाता। जाति मैंने बहुत लोगों से पूछी, पता ही नहीं है किसी को कि जाति क्या है क्या नहीं है। लोग चिपकाए फिरते हैं और इसको जानते तक भी नहीं है कि ये कहाँ से आई कैसे आई। बहुत ज़्यादा कहेंगे तो कहेंगे कि शास्त्रों में है, तो मैं पूछता हूँ कि भाई शास्त्रों का नाम बता दो, मैं ढूंढ लूँगा उसमें। अगर आपको दिक्कत है तो आप बताए तो सही, कहीं नहीं आपको मिलेगी, सब सारा खेल हवा में है। तो आप इस हवा को समझिए, जब आप सामने वाले से पूछेंगे तो सामने वाले को पता ही नहीं है, फिर आपको पता चलेगा अरे तो सारा हवा में चल रहा है मामला, कहीं कुछ है नहीं। इसलिए जाति से डरिए मत, घबराइए मत, पूछिए आप बराबर पूछिए। अब आप अपने महापुरुषों के बारे में जानिए, आप जानिए, जैसे डॉक्टर तड़वी को अगर ये पता होता कि उसके परदादा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर थे, उसको ये पता होता कि उसके परचाचा दुनिया के सबसे बड़े सर्जन थे, तो वो कभी आत्महत्या का फैसला नहीं करती। भारत में बौद्धों के समय, भगवान बुद्ध के समय, बुद्ध को भैषज्ञ गुरु बोला जाता था। भैषज्ञ का मतलब होता है औषधि को जानकार, औषधि जानने वाला, और उन्होंने बहुत सेवा की। और उनके शिष्य थे जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो उस समय भारत में हुआ करती थी, आज तो अफगानिस्तान है वो, उस समय तो सारा देश हमारा हमारे पास था, हम राजा थे। तो उस समय जो जीवक नाम का सबसे टॉप का सर्जन था और सबके सबसे टॉप का फिजिशियन, वो भगवान बुद्ध का शिष्य था। उसने भगवान बुद्ध की एक बार मरहम पट्टी भी की और कई राजाओं का उसने बड़ा उपचार भी किया, भरा पड़ा है त्रिपिटक, उसमें जीवक के जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे के सारे हैं। और जीवक से ही आयुर्वेद बना, जीवक से ही क्या बोलते हैं आयुर्वेद का मतलब है वेदना है, यानी कि जो आयु बढ़ाने वाली वेदना है, जो शरीर की आयु बढ़ाने वाली जो वेदना है उनको जानना, वो सारा सिस्टम बना। और वो वेदनाओं के जो सबसे बड़े मास्टर रहे हैं वो तो बुद्ध रहे हैं। तो आपके चाचा, आपके दादा यानी बुद्ध और जीवक जब महान फिजिशियन और महान सर्जन हैं, तो आप तो पैदाइशी रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि आप कितने बड़े डॉक्टर रहे हैं, आप कितने बड़े सर्जन रहे हैं। फिर ऐसी बात आनी नहीं चाहिए मन में। आप थोड़ा सा अपना कल्चर में, अपनी हिस्ट्री में तो जाके देखो कि आप कितने बड़े क्या हैं। और रही काबिलियत की बात, आपसे अगर कोई ये कहता है कि आप काबिल नहीं हैं, आप में काबिलियत नहीं है, या आपके मार्क्स कम हो सकते हैं क्योंकि फैसिलिटी नहीं है आपके पास में, सुविधाएं नहीं है, जानकारी नहीं है। जो किताब आप आज पढ़ रहे हैं, कई लोग उसको बहुत पहले से पढ़ के आते हैं, तो उसमें अंतर रहेगा। जिसने आज पढ़ी है उसकी मेमोरी उसी हिसाब से गेन होगी, और जो 20 बार पढ़ के आ चुका है उसकी मेमोरी ज़्यादा रहेगी, तो लिखेगा भी ज़्यादा। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, जब आप 20 बार की किताब को रिपीट मार लेंगे तो आप मास्टर्स के मास्टर हो जाएंगे। मगर काबिलियत की जहाँ तक बात है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि आज की डेट में काबिलियत पेड हो गई है, यानी कि मेडिकल इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की जो सर्विस स्टूडेंट्स की जो क्लासेस हैं या जो उनकी एडमिशन्स हैं, वो पैसे से हो रहे हैं। यानी कि काबिल आदमी या नाकाबिल आदमी का तो मामला कहीं दूर दूर तक है नहीं, पैसे हैं आपके पास तो आप काबिल हो सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिनके पास पैसे हैं और जिनको यहाँ एडमिशन नहीं मिलता, नाकाबिल लोग, वो काबिल बनने के लिए रशिया जैसे कंट्री में चले जाते हैं और रशियन भाषा में डिग्री लेके आ जाते हैं। आपको बहुत सारे केस मिलेंगे जिन्होंने रशियन भाषा में डॉक्टरेट की हुई है और यहाँ उनको क्या 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 भी नहीं पता है, और वो यूरोप में चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो उनको वहाँ दोबारा टेस्ट देने पड़ते हैं, वो यहाँ की डिग्री ही मानते, काबिलियत मानते नहीं यहाँ की। तीसरी बात कि अगर यहाँ के डॉक्टर्स यानी कि जो नॉन रिजर्व डॉक्टर हैं, अगर वो सारे काबिल होते और काबिलियत में होते तो यहाँ के लोग विदेशों में उपचार कराने ना जाते या बाहर पढ़ने नहीं जाते। विदेशों में जाते हैं यहाँ के बड़े बड़े लोग, क्योंकि यहाँ के काबिल जो जनरल के डॉक्टर हैं यानी कि जो नॉन रिजर्व डॉक्टर हैं, उन पर भरोसा ही नहीं है, उनकी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं है, खुद उनके रिश्तेदार ही बाहर जाके इलाज कराते हैं। ये काबिलियत की एक बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप काबिल हैं तो जो पेशेंट हैं वो बाहर क्यों जा रहा है, बाहर से यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, जबकि बुद्ध के समय में दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। तो काबिलियत तब थी जब आपके परदादा पढ़ाते थे और जब आपके परदादा पढ़ चाचा बड़े बड़े डॉक्टर हुआ करते थे। और अगर आपको लगता है कि रिजर्व लोगों में
काबिलियत नहीं है, ये अच्छे डॉक्टर या अच्छे इंजीनियर या अच्छे प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, तो आप फ्री हैं भारत के अंदर। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उनसे इलाज कराएं या आप उनसे काम कराएं, आप खुद कर रहे हैं अपने किसी ढूंढ लें जाके जो आपका रिश्तेदार है ढूंढ लें, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। तो आपको दिक्कत क्या है भाई, उनके लोग उनसे इलाज करा लेंगे, आप मत कराइए। तो इसलिए आपको काबिलियत से उनकी नाकाबिलियत से परेशान भी नहीं होना चाहिए, ये बात समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने आप को काबिल डॉक्टर कहते हैं वो कर क्या रहे हैं। अधिकतर लोग यहाँ से डिग्री लेते हैं और यहाँ से एस्केप कर जाते हैं, 60 करोड़ का चूना लगा के भारत को एक साथ निकल जाते हैं। 60 करोड़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाती है बचपन से लेकर आज तक, और वो एक झटके में भारत को लात मार के और चला जाता है और पूरी ज़िंदगी बाहर रहता है, वहाँ डॉलर और पाउंड और यूरो वहाँ कमाता है और हमको क्या कहता है कि हम यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं। अरे तुमने यहाँ से रिसोर्सेज लिया, तुमने यहाँ सारा मेहनत की, हमने तुम्हारे लिए सेवा की, सारा हमने सिस्टम बनाया और तुम हमारे देश को छोड़ के चले गए, तो थोड़ा तो सोचो कि तुम काबिलियत की बात करते हो तो तुम कितने काबिल हो, और वहाँ जाके गुलामी करते हो तुम, क्या बनते हो। मेन सर्जरी नहीं मिलती उनको, फिजिशियन नहीं मिलते उनको, उनको पीछे रखते हैं, उनको साइड बोबों में रखते हैं। एक एक चीज़ का नेट पे आपको पता चलेगा कि वहाँ के डॉक्टर्स, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स जो काबिल डॉक्टर्स जो होते हैं नॉन रिजर्व वाले, उनके साथ में ऐसा बिहेव करते हैं जैसे यहाँ के लोग वार्ड बॉय के साथ करते हैं। तो काबिलियत की बात को कहना थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि आप जो बुद्ध के और आप जो जीवक के शिष्य रहे हैं या उनके बेटे रहे हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा जीवन इसमें गया है और आप बहुत पुराने इसके जानकार हैं और बहुत पुराने इसमें जानते हैं। अब आप करेंगे क्या, अगर आपको लगता है कि कहीं कोई आपको प्रताड़ना दे रहा है या आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप मुस्करा के वहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपनी हिस्ट्री में जाइए, आप बहुत काबिल हैं। आप यकीन मानिए कि आपको आज मौका मिला तो वो डर गए, क्योंकि बुद्ध ये बताते हैं अभिधम्म पीटक में 121 तरह का मूड होता है, यानी माइंड होता है, जो 52 टाइप की मटेरियल से मिलके बनता है, यानी कंडीशन से मिलके बनता है। उसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है या आपको कोई टीज कर रहा है या आपको कोई उलाहना दे रहा है या आपको कोई मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो व्यक्ति बहुत डर गया है आपसे। डरा हुआ व्यक्ति सामने वाले को चढ़ाता है, परेशान करता है, उसके अंदर का डर है। तो आपकी काबिलियत से और आपकी समझ से और आपके आगे बढ़ने से वो डर गया है और डर से ऐसी हरकत कर रहा है। तो डरे हुए आदमी पे हमेशा करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, उसे आशीर्वाद देना चाहिए, तुम्हारा भय दूर हो और तुम अभय हो जाओ। ये बुद्ध की नीति है, ये भारत की नीति है। इसलिए आप ये माने कि जब कोई आपको इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है या आपको बार बार टीज कर रहा है, तो वो आपसे डरा हुआ है। आप उसके लिए मुस्कुरा के करुणा करें और एक प्रेयर करें कि इसका भला हो और इसका मंगल हो। इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद भी अगर वो ना माने, तो आप अपने जैसे लोगों को वहाँ ढूंढ लें और आपके जैसे जो रिजर्व लोग हैं वो मिलेंगे, उनसे बातचीत करें, एक अपना प्यारा सा परिवार वहाँ बना लें, और कोई समस्या है तो उसको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डालते रहें। हजारों ग्रुप हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हैं, क्योंकि आत्महत्या करना या मरना आपका सॉल्यूशन नहीं है। आप भारत के बहुत पुराने काबिल लोग रहे हैं, इसलिए आपको शोभा नहीं देता कि कोई इधर उधर का कोई आपको टीच करे और आप अपनी जान दे दें, नुकसान करें सोसाइटी का और देश का, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर 3 महिला डॉक्टर एक महिला डॉक्टर को अगर प्रताड़ित करती हैं, उकसाती हैं और उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करती हैं, कई केसों में ऐसा हुआ है, तो आप एक बात ये समझिए कि एक तो वो आपको भारतीय नहीं मान रही है, तो दोनों में से एक भारतीय नहीं है, क्योंकि अगर चारों भारतीय होती, वो तीनों महिलाएं वो भारतीय होती और डॉक्टर पायल तड़वी भारतीय होती, तो उनका कोई झगड़ा नहीं होता, एक ही देश के हैं, तो उनमें से कोई भारतीय नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। फिर वो अगर एक ही रिलीजन के फिर भी प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिलीजन में दम नहीं है, क्योंकि रिलीजन में ये नहीं सिखाया जाता कि आप किसी की हत्या के लिए उकसाएं। फिर आप महिला भी हैं, तो महिला को महिला का सहयोग करना चाहिए, तो महिला ने महिला का ही विरोध किया, तो आपको महिला होने पर भी संशय है कि आप महिला हैं या नहीं हैं, क्योंकि बुद्ध ने जो प्रैक्टिस बताई है और बुद्ध ने जो धम्म बताया है, और हम विपश्यना के थ्रू भी देखते हैं कि मानव अगर मानव की हत्या करता है तो जिंदगी में कभी उसको और उसके परिवार को चैन नहीं मिल सकता। बहुत लोगों की हत्या होती है, 3 महिलाओं ने अगर एक महिला को मारा, जो महिला मरी है उसका परिवार तो परेशान रहेगा ही रहेगा, मगर इन तीनों महिलाओं का, इन तीनों का भी जीवन अविची नरक हो जाएगा। अविची नरक उस अवस्था को बोलते हैं धम्म के अंदर जिसमें करोड़ों साल लग जाते हैं उसको ठीक होने में।
वो परिवार तक सट जाता है, तीन परिवार उनके परिवार, आपको बेशक कोर्ट छोड़ दे, आपको सारे सबूत आपके अगेंस्ट हो जाए, आपका मन जानता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मनुष्य अगर एक उसका मन भी दुखाता है वो उसकी मानसिक हत्या होती है, उसको कड़वे वचन बोलता है वो उसकी वचन की हत्या होती है, और कामिक रूप से अगर उसकी जान लेता है तो वो उसकी कम की यानी कार्य के रूप से हत्या होती है। आपने तीनों रूप से उसकी हत्या की है। दुनिया की सारी अदालत आपको बरी कर दें मगर नेचर आपको कभी बरी नहीं करेगी, वो कभी नहीं छोड़ेगी, आपका परिवार हमेशा अविची नरकीय स्थिति में रहेगा। इसलिए आपको सोचना चाहिए भारत की तरक्की के लिए कितनी बड़ी बाधा आपने कर दी, भारत में कितना काम वो लोग करती हैं, आप कितना काम करते हैं, चारों डॉक्टर मिलकर कितनी लोग सेवा करती, कितने लोगों पर इसका फर्क पड़ेगा, इसको समझिए। भारत अगर इसी तरह से जाता रहेगा और आप ये मानसिकता, क्योंकि ये मानसिकता जाहिर सी बात है कि आपकी बचपन से आई हुई है तो आपको किसी ने बड़े ने आपने दी है, किसी बड़े ने आपको ये जाति वाली मानसिकता दी है, उस बड़े की कमी है, कितना नुकसान है कि अगर देश पढ़ेगा नहीं उसी तरह से करेगा तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं तो किसे लड़ नहीं पाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, हम चीन से और अमेरिका से टक्कर लेने की बात करते हैं, हमको नेपाल भी हरा जाएगा, नेपाल जैसे देश के गुलाम बन जाएंगे अगर हम इसी हालत में चलते रहे तो। इसको सोचिए, इसको समझिए, राष्ट्रीय भक्ति के अंदर, देशभक्ति के अंदर जरूरी है कि राष्ट्र के हर व्यक्ति को बराबर समान और भाई और बहन समझा जाए, वरना गड्ढा जो दूसरों के लिए खोदता है ये गारंटी है कि एक ना एक दिन वो उसमें गिरता जरूर है, ये प्रकृति का नियम है। मैं डॉक्टर पायल तड़वी के इस कदम का कभी भी साथ नहीं दूंगा, हमारे जैसे लोग कभी साथ नहीं देंगे कि उसने ये कदम जो निगरी उठाया, मगर उसकी अज्ञानता, अज्ञानता कारण ये कदम उसने उठाया। अगर वो जानती, अगर वो कास्ट सिस्टम को जानती और वो थोड़ा उसने अध्ययन किया होता तो वो स्ट्रांग होकर निकल के आती और देश की अच्छी सेवा की। आप सब खूब देश की सेवा करें, एनिहिलेशन कास्ट को एक बार जरूर पढ़ लें, कोई दिक्कत हो हमारे जैसे लोगों से आप संपर्क करें, फ़ोन करें, मेल करें, फेसबुक करें, बहुत लोग हैं, हज़ारों लोग बिखरे पड़े हैं जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के हैं और जो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, आप उनसे मिलें, समस्या का समाधान जरूर होगा और हम जातिवाद से लड़ते हुए जाति को जरूर खत्म करेंगे एक ना एक दिन। भारत से जाति जैसे आई थी उससे ज़्यादा तेज़ी से जाति जाएगी। हमारे जैसे युवा, आपके जैसे युवा जो आने वाले बच्चे हैं, उनको जाति के बारे में बताना चाहिए, जाति के सिस्टम का नुकसान बताना चाहिए, देश में जाति के सिस्टम से कितना हम पीछे हो गए ये बताना चाहिए, तो जाति बहुत तेज़ी से जाएगी। धन्यवाद।